नमस्कार दोस्तों, द कैट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी धामे और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टॉप डाउन असेंबली। आज हम एक प्रेस टूल असेंबली करेंगे और वो भी टॉप डाउन प्रोसेस के साथ में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे न्यू और डायरेक्टली हम खोलेंगे असेंबली। ओके, अब ये जैसी असेंबली खुलती है सबसे पहले आता है बिगिन असेंबली और कोई पार्ट इंपोर्ट कराने के लिए बोलता है। अभी अगर हम टॉप डाउन असेंबली कर रहे हैं तो हमें कोई पार्ट नहीं चाहिए होता है, कोई इंपोर्ट नहीं कराना है पार्ट, और डायरेक्टली हम यहाँ से इंसर्ट कंपोनेंट की जगह पर जाएंगे न्यू पार्ट पे। यहाँ पर एक पार्ट बन गया है और खाली जगह पर क्लिक कर देंगे और पार्ट यहाँ पर तैयार है, लेकिन वो पार्ट दिखेगा नहीं क्योंकि पार्ट खाली पार्ट हमने न्यू पार्ट लिया है लेकिन उसमें कुछ है नहीं। अभी उस पार्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पार्ट पर क्लिक करेंगे और एडिट पार्ट पर जाएंगे। एडिट पार्ट पर जाने के बाद में वो पार्ट के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से प्लेन लेंगे। 21 प्लेन से हमें शुरुआत करनी है, टॉप प्लेन और स्केच शुरू करेंगे। सीधा करेंगे इसको, रेक्टेंगल हमने ले लिया एक और इसकी डायमेंशन। एक्सट्रूड हो गया 30 mm, हम आगे देखेंगे। ओके, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके असेंबली के बाहर आ जाएंगे और इस पार्ट को नाम दे सकते हैं हम। इस पार्ट का नाम हो जाएगा बॉटम प्लेट। अब आते हैं अगला कंपोनेंट के लिए, यहाँ जाएंगे फिर से न्यू पार्ट करेंगे और हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसी पे क्लिक कर देंगे और सीधा कर लेंगे इसको। और ये सर्कल जो दिखाई दे रहा है इसी को हमने कन्वर्ट करा लिया या फिर नीचे से स्केच करते हैं तो फिर हाइट भी पता चल जाएगी। नीचे वाले फेस पे क्लिक किया और स्केच करेंगे और इस सर्कल को कन्वर्ट करा लिया। फीचर एक्सट्रूड, यानी कि हमें साइज देने की जरूरत नहीं है, हम इसी में साइज ले लेंगे। और स्पिन की जो हाइट हो जाएगी वो हो गई 200, बाहर निकल जाएंगे। ये है गाइड प्लग, स्केच से असेंबली से बाहर, और पार्ट का नाम हो गया। इसको हमने कंट्रोल के साथ में उठा के रख सकते हैं खाली जगह पे, कंट्रोल के साथ में रख लिया और रख लिया। उसके बाद मैट करा सकते हैं, मैट करा लेंगे सभी पार्ट को नीचे से नीचे। ओके, कौन से जॉइंट मैट कराएंगे इस पे, सभी पे। और सभी को फिर कॉन्सेंट्रिक मैट के साथ में हॉल में फिट कर देंगे। हॉल में फिट कर दिया। अभी बॉटम प्लेट पे एक होल भी करना था तो क्या करेंगे, बॉटम प्लेट पे जाएंगे और एडिट
स्केच कर लेंगे। ये बोल रहा सेव एंड कंटिन्यू, हम इसको सेव कर लेते हैं असेंबली को डेस्कटॉप पे किसी न्यू फोल्डर में। The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, सेव एंड इंटरनली यानी इनसाइड द असेंबली, जो भी हमने पार्ट बनाया है वो असेंबली के अंदर ही सेव हो जाएंगे, या फिर सभी पार्टों को हम अलग से सेव कर सकते हैं। जितने पार्ट बनाएंगे वो स्पेसिफाई पार्ट यानी कि उसी फोल्डर के अंदर अलग अलग सेव हो जाएंगे, तो हम अलग अलग सेव करना पसंद करेंगे क्योंकि हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पार्ट अलग से सेव हो गए हैं और साथ में वो पार्ट खुल के आ गया है। इसमें मेरे को एक और होल करना था बड़ा सा, होल का साइज हो गया 50 और इस दीवार से 50 दीवार। जैसे स्केच के बाहर जाएंगे और फिर पार्ट के बाहर यानी कि असेंबली के अंदर इसमें सेव करा लेंगे सेव। अब अगला पार्ट यहाँ जाएंगे, न्यू पार्ट फिर से लेंगे, न्यू पार्ट आ गया पार्ट नंबर 3 और हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, सपोज इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्केच खुल के आएगा और यहाँ पे बनाएंगे बुश। बुश के लिए क्या करेंगे कि एक तो सर्कल यही ले लेंगे, कन्वर्ट करा लेंगे और एक सर्कल ले लेंगे अपने थोड़ा सा बड़ा, इसकी डायमेंशन हमें पता है। अब उसकी जो डायमेंशन है वो हो गई 40, बाहर निकल गए और फिर इसको स्केच को यहाँ से फीचर में जाके एक्सक्लूड करा पल्टी मार के इसका जो लेंथ होगी 60 mm, पार्ट से बाहर बोस हमारा तैयार है। और एस बी एस की भी कॉपी कर लेंगे, इसी तरह से कंट्रोल दबा करके रखेंगे और खाली जगह छोड़ेंगे, इसको खाली जगह छोड़ेंगे और फिर इधर छोड़ेंगे, मैट कराएंगे, पहले हाइट मेंटेन कर लेते सभी की। इसको से ओके, इसको पीसी से ओके, इसको पीसी से ओके। अब कॉन्सेंट्रिक मैट के साथ में सभी को अपने अपनी जगह पे भेज देते हैं। हमारे पास बुश तैयार हो गए हैं, इसके बाद में इस जो भी बुश बनाए हमने इनका नाम डाल देते हैं। अब पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है, अब किसी भी एक पार्ट का नाम अगर रीनेम करते हैं तो सभी का नाम चेंज हो जाएगा। ये हो गया गाइड बुश, GUIDEBUSH, तो इन सभी का नाम भी चेंज हो गया गाइड बुश। उसके बाद बिल्कुल टॉप पे जाते हैं, यहाँ से न्यू पार्ट फिर से लिया हमने, न्यू पार्ट लेने के बाद यहाँ आ गए और सीधा कर लिया। जो नीचे दिखाई दे रहा है बिल्कुल उसी को कॉपी करना है, मैं एक तरह से कन्वर्ट कर लिया तो बाहर के हमारे पास आउटर मिल गया है और इसी को एक्सक्लूड कर देंगे, फीचर में जाके एक्सक्लूड और पट्टी मार के, लेकिन खाली एक्सक्लूड चलो एक्सट्रूड करते हैं पहले। और इसका जो साइज हो गया थिकनेस 30 mm, ओके, फिर यहाँ क्लिक किया वापस से और ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है यानी कि बुश का ऑडी जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, चारों बुश की ऑडी को,
और कन्वर्ट करा देंगे। कन्वर्ट कराने के बाद में इसको कट से कट कर लेंगे टू और। ओके ये प्लेट कट गई हमारी। उसके बाद में स्पेस पे देंगे और स्केच, और यहाँ से ये सर्कल लिया, इसको कन्वर्ट करा लिया और फिर इसको एक्सक्लूड कर देंगे 90 एम एम। किसका स्केच से बाहर लीजिए, अपनी असेंबली ये तैयार हो गई है। लेकिन अभी ये असेंबली बिल्कुल फिक्स है, ये मूवेबल नहीं है, तो इसको मूव कराने के लिए कुछ हमें मैट्स तोड़ने पड़ेंगे और कुछ जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले ये जो पिलर था ये तो ठीक है, ये तो बुश बनाया था, इसके साथ में करते हैं कुछ। इम्बोस पे क्लिक किया और इसके सारे मैट ढूंढेंगे। यहाँ पे देखेंगे व्यू मैट्स, व्यू मैट में हमारे पास स्केच इन प्लेन दिखाई दे रहा है, इन प्लेन को राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे और यस कर देंगे। साथ में ऊपर जो प्लेट है वो ठीक है प्लेन, क्योंकि हमने इसी प्लेट पर लगाया था इसको। देखते हैं अब ये मूव करा के देखेंगे तो इजीली मूव हो रही है, लेकिन आगे पीछे भी जा रही है, क्योंकि ये वाला बॉस का मैट भी टूट गया। साथ में क्लिक करेंगे कॉन्सेंट्रिक मैट्स को लगाएंगे और ओके करेंगे। अब ये ऊपर नीचे तो जा रही है, लेकिन एक मैट और जरूर हमें, इसको सिलेक्ट करेंगे मैट और इसका कॉन्सेंट्रिक मैट इस पर लगा देंगे और अभी तैयार है बिल्कुल बढ़िया से। ये प्रेस हमारी तैयार हो गई है, अरे इसके आस पास जा रही है, इसमें हम कुछ लिमिट मैट लगा देते हैं। तो लिमिट कितनी होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो रही 170 और यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी है 60, यानी कि हम 100 mm जा सकते हैं। 170 माइनस 60 तो 110 mm हम मूव कर सकते हैं। तो एडवांस मैट पे जाएंगे, यहाँ पे मैट स्टैंडर्ड मैट को बंद करेंगे, एडवांस खोलेंगे, लिमिट लगा देंगे, मैक्सिमम 110 तक जा सकते हैं और मिनिमम हमारा रहेगा 70-0। किस किस के बीच में, यहाँ से और यहाँ, ओके करेंगे। ये हमारी प्रेस टूल तैयार है एकदम बढ़िया से, इसको खींचेंगे ऊपर और नीचे जा सकते हैं। लीजिए आपकी टॉप डाउन असेंबली तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर करें, और अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।